सुप्रीम कोर्ट ने शिवसेना की संपत्ति को एकनाथ शिंदे गुट को ट्रांसफर करने की याचिका खारिज कर दी है। फिलहाल शिवसेना की संपत्ति उद्धव ठाकरे गुट के पास है। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड और जस्टिस पीएम नरसिम्हा की बेंच ने याचिकाकर्ता से पूछा कि आप कौन हैं, आपका इस मामले में क्या अधिकार है। इसके बाद याचिका खारिज कर दी गई। दरअसल महाराष्ट्र के वकील आशीष गिरी ने कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। उन्होंने मांग की थी कि शिवसेना की सारी प्रॉपर्टी शिंदे गुट को दे दी जाए। याचिकाकर्ता आशीष गिरी ने याचिका में कहा था कि मैं महाराष्ट्र का वोटर होने के नाते अर्जी सुप्रीम कोर्ट में दाखिल कर रहा हूँ। शिवसेना के प्रॉपर्टी से जुड़े सारे सवालों के जवाब समय रहते मिल जाने चाहिए, पार्टी को लेकर पूरी स्थिति साफ हो जानी चाहिए ताकि महाराष्ट्र में तमिलनाडु जैसी स्थिति ना बने। दरअसल तमिलनाडु में जयललिता के निधन के बाद उनकी पार्टी AIADMK पर कब्जे को लेकर दो धड़ों में बढ़ गई थी। एक धड़ा पार्टी के दिग्गज नेता ई पलानी स्वामी यानी EPS के साथ था और दूसरा ओ पन्नीर सेल्वम यानी OPS के साथ। यह मामला भी सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा था। कोर्ट के आदेश के बाद AIADMK की कमान पूरी तरह से पलानी स्वामी के हाथ में दे दी गई। इसी के साथ बने रहे राजनामा टीवी के साथ।